नमस्कार। नगर निकाय चुनाव की घोषणा और अंतिम आरक्षण पर हाई कोर्ट की 20 दिसंबर तक तो रोक है ही, इसके बाद क्या होगा यह तभी पता चलेगा। चुनाव कब होंगे और आरक्षण की तस्वीर बदलेगी या नहीं, इस पर सभी की नजर है और यही चर्चा का विषय भी है। हालांकि जो उम्मीदवार मजबूती से चुनाव मैदान में है वो हर मोर्चे पर अब भी मुस्तैद है। एक मोर्चा जनता के बीच जाने का है और दूसरा मोर्चा है टिकट का। नगर निकाय चुनाव में सपा रालोद आसपा गठबंधन और भाजपा में टिकट की मांग ही सबसे ज्यादा है। अब जिन्हें यहां से टिकट नहीं मिलेगा वो बसपा कांग्रेस आप आदि दलों से कोशिश करेंगे। गठबंधन और भाजपा में टिकट फाइनल करने की प्रक्रिया चल भी रही है। दावेदार जिले से लेकर लखनऊ दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। कोई संघ के बूते टिकट मांग रहा है तो कोई भाजपा में अपनी सही बता रहा है। इसी तरह गठबंधन में भी टिकट को लेकर करीब करीब हर सीट पर ही जोर आजमाइश है। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर स्टे के बावजूद चुनावी माहौल गर्म है। जोड़ तोड़ की भी खूब कोशिश हो रही है। लोकल चुनाव में सिंबल की अहमियत काफी बढ़ गई है, खासकर गठबंधन और भाजपा के सिंबल की। नगर पंचायत सदस्य पद के लिए भी सिंबल की खूब डिमांड है, जबकि पहले यह चुनाव फेस वैल्यू के होते थे। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में यह एक बड़ा बदलाव है।